लिविन हॉट। जब उसने देखा दांत पे जो टाटा प्रेजेंट होती है ये क्या होता, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा उसने, उसने देखा अरे भाई ये तो छोटा 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 कुछ दिख रहा है जो कि मूव कर रहा है, क्या है ये? उस वक्त नहीं मालूम था मुझे क्या है ये, तो ये तो कुछ जानवर जैसे हैं, इसलिए उन्होंने उसको नाम दे दिया एनिमेक्यूल्स, लाइक एनिमल्स, एंड ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बिकॉज ही वाज द वन हु डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दो तरीके के रहते हैं मेनली, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की जैसा कि नाम बता रहा है पुराने प्रिमिटिव, दे आर कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल्स क्योंकि अभी भी मिलते हैं एंड दे आर सपोज टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ जो कि उस वक्त एग्जिस्ट करती थी जो हम सोच भी नहीं सकते हैं वैसा समय था, बहुत हाई टेम्परेचर्स थे, बहुत पीएच बहुत लो था, ऐसा कंडीशन जिसमें आज की लाइफ फॉर्म सर्वाइव नहीं कर सकती है, वहां पे ये आर्की बैक्टीरिया है। ऑक्सीजन थी ही नहीं, दे वर अनऑक्सीजनिक, बिना ऑक्सीजन के रहते थे, फिर अर्थ की एनवायरमेंट ने ऑक्सीजन को रिटेन करना शुरू किया, फाइन, हमारी जो लेयर्स हैं स्ट्रेटोस्फीयर एंड ऑल ये सारी हमारी लेयर्स बनी, एटमॉस्फेयर आया, ऑक्सीजन रिटेन होना शुरू किया, तो ऑक्सीजनिक लाइफ फॉर्म ने एग्जिस्ट होना शुरू किया, ठीक है जी। सो दीज आर आर्की बैक्टीरिया। आप लोगों ने कभी वुड के ऊपर क्या बोलते हैं, वुड के ऊपर वो जो कीड़ा लगता है सब बोलते हैं ना, टर्माइट्स बोलते हैं बेसिकली उनको ना, कि जो वुड को खा जाता है, दीमक, दीमक है ना, दीमक। अब इमेजिन दीमक वुड खा जाती है, सेलुलोज को खा जाती है, सेलुलोज हम लोग नहीं खा सकते हैं, हम बैठ के वुड खा सकते हैं क्या, पत्ते खा सकते हैं, सिर्फ हम एडिबल चीजें खा सकते हैं, प्लांट के फ्रूट खा सकते हैं, वो चीजें नहीं खा सकते जिसमें सेलुलोज हो, क्योंकि हमारे पास वो एंजाइम्स ही नहीं है डाइजेस्ट करने के लिए, हमारे पेट में आर्की बैक्टीरिया नहीं है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, पर ये जो टर्माइट होती है इसके पेट में आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि वुड को डाइजेस्ट कर जाते हैं, प्रिमिटिव फॉर्म्स है ये जो कि वुड को भी डाइजेस्ट कर जाते हैं। दे आर ऑफ थ्री मेन टाइप्स, नए नाम है, धीरे धीरे चलेंगे, यही बैठे बैठे याद करा दूंगी मैं आपको। मैंने क्या बताया, प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म वॉज लाइक एक्सट्रीम्स ऑफ कंडीशन, एक्सट्रीम्स मीन्स ऑक्सीजन नहीं थी, मोर ऑफ मीथेन थी, मीथेन, सो वो वाले ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं मीथेनोजेंस। सॉल्टी था एनवायरमेंट, हेलोफाइल्स, हेलो मीन्स सॉल्ट, फाइल मीन लविंग, जो कि दे कैन सर्वाइव इन हाई सॉल्ट कंडीशन। थर्मो एसिडोफाइल्स, हाई टेम्परेचर, 80-100 डिग्री तक टेम्परेचर जो वोल्केनोस बर्स्ट करते हैं, हजारों डिग्री तक टेम्परेचर, करेक्ट। एसिडोफाइल्स लो पीएच, हाई टेम्परेचर, फाइल मींस लविंग। सो आर्की बैक्टीरिया ऑफ थ्री टाइप्स, मिथेनोबैक्टीरियम, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स, डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन वेयर दे आर फाउंड, एंड दीज आर जनरली एक्सट्रीमोफाइल्स, दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम of life conditions, extreme of environmental conditions, correct। सब चीजें ये क्लियर हो रही हैं, एक बार फिर से रिपीट करें। आर्की बैक्टीरियम प्रिमिटिव बैक्टीरिया है जो कि उस वक्त थे जब एक्सट्रीम्स ऑफ एनवायरमेंट थे, सो दे आर कॉल्ड एज एक्सट्रीमोफाइल्स, और प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल्स। ये तीन तरीके के होते हैं, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल एंड थर्मिया एसिडोफाइल्स, ये मैं आपको मतलब समझा चुकी हूँ, तो एक बार ये देख भी लेते हैं, दे आर मोस्ट प्रिमिटिव। दे आर मोस्ट प्रिमिटिव एक्सट्रीम्स, दे आर एक्सट्रीमोफाइल्स, दे आर लिविंग फॉसिल्स। सेल वॉल का स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट होता था, एज डिफरेंट है एज कंपेयर टू यू बैक्टीरिया, क्या डिफरेंस है वो हम बाद में पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है पर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और ये एक्सट्रीम्स ऑफ एनवायरनमेंट में क्यों सर्वाइव कर जाते हैं, बिकॉज दे कैन टॉलरेट अगेंस्ट दीज, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन।
है, मैंने क्या बताया, एनवेलप, एनवेलप अगर हमारा स्ट्रांग हो तो हम किसी भी चीज को लड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मेरे स्किन पे आके बैक्टीरिया बैठा, मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं होगी क्योंकि मेरी स्किन स्ट्रांग है, मुझे कोई स्किन की डिजीज नहीं है। पर वो लोग जिनको बचपन से ही स्किन की डिजीज है, जैसे कि एक कंडीशन होती है एक्जीमा, एक्जीमा स्किन एलर्जी, फाइन, एक्जीमा वेरी सिवियर स्किन एलर्जी, तो जिनको एक्जीमा होता है, आई डोंट वांट टू राइट इट हियर बिकॉज ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, बट आई कैन शो एक्जीमा, ECZEMA, ECZEMA, जिनको एक्जीमा होता है उनकी स्किन ऑलरेडी खराब है, फाइन, कभी यहाँ पे कुछ रैश हो रहे हैं, वेसिकल्स हो रहे हैं, स्किन ऑलरेडी खराब है, तो अगर वहां पे कोई बैक्टीरिया आ गया वो फटाफट ग्रो कर जाएगा क्योंकि उनका जो एनवेलप है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। उसी तरीके से अगर एनवेलप की ऐसी स्ट्रेंथ होगी जैसे कि आर्किबैक्टीरियम में है, इस तरीके का सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है, तो वो एक्सट्रीम्स ऑफ एनवायरमेंट को भी टॉलरेट कर जाएंगे। डन, सो दीज आर आर आर्किबैक्टीरिया। नाउ लेट्स स्टडी सम डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ आर्किबैक्टीरिया। पैथोजेंस, मोस्ट ऑफ देम आर एनारोब्स क्योंकि उस वक्त ऑक्सीजन नहीं थी, ठीक है, फिर धीरे धीरे करके लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व हुई, ऑक्सीजन आई, पर फिर भी मिथेनोजेन ने तो कहा कि मैं तो अभी भी एनारोबिक ही रहूंगा, दे आर ऑब्लिगेट एनारोब। पर हैलोफाइल और थर्मोएसिडोफाइल में देखा गया कि अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो ये ऑक्सीजन भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये एनारोब्स है, सो ओवरऑल दे आर एनारोब्स, वन थिंग टू बी रिमेम्बर्ड। दूसरी चीज, मिथेनोजेंस जैसा कि नाम बता रहा है, ये उस ऑक्सीजन इनको रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये उन गैसेस में भी रह सकते हैं जहां पे ऑक्सीजन नहीं हो, तो उन जगहों पे जैसे कि र्यूमिनेंट्स, आप जानते हैं काओ, ये जितने भी हमारे र्यूमिनेंट, र्यूमिनेंट का मतलब क्या होता है, जो कि र्यूमिनेशन करता है, र्यूमिनेशन, र्यूमिनेशन मतलब जुगाली, र्यूमिनेंट्स जो होते हैं वो जुगाली करते हैं, र्यूमिनेशन का मतलब है जुगाली, जुगाली, जुगाली का मतलब पहले तो फटाफट खा लिए पत्ते पौधे सब खा लिया, ठीक है, फिर आराम से मैं बैठ गया जाके, वो एक उनका स्टमक का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो वापस मुंह में आ जाता है और उसको धीरे 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 च्यू करते रहते हैं। कितना अच्छा मैकेनिज्म है ना, हमें नहीं बोलते हैं कि इतनी बार चबा के खाइए, खाते हैं हम तो 2 बार चबाए अंदर कर लिया, सारा काम पेट को करना पड़ता है और हमारे न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिलते हैं, पर ये लोग क्या करते हैं, फटाफट तो खा लिए पर इनके पास वो मैकेनिज्म है कि पेट से दोबारा मुंह में आ जाएगा और आराम से बैठ के च्यू करेंगे, जब अच्छे से च्यू हो जाएगा तो उसे इंगल्फ कर लेंगे, बढ़िया है ना। सो दे आर र्यूमिनेंट्स, र्यूमिनेंट्स के पेट में ये आपके मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, दोज हु डोंट रिक्वायर ऑक्सीजन, और वहां पे जो उन्होंने पत्ते वत्ते एंड ऑल खाए हैं उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं। सो र्यूमिनेंट्स आर दैट इंपॉर्टेंट, वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तो चाहिए नहीं उन्हें, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ही ये मिथेनोजन जो है मीथेन में कवर करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, बन गया मीथेन, CH4, दिस इज मीथेन, मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस, एनवायरमेंट को गर्म कर देती है मीथेन, ग्रीन हाउस गैस, करेक्ट, मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस, एनवायरमेंट में जितनी ज्यादा मीथेन होगी उतना ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, करेक्ट, पर इसके यूजेस भी हैं मीथेन के, मीथेन अगर आपने पढ़ा हो, बायोगैस प्लांट्स होते हैं, दे आर बायोगैस प्लांट्स, ये हम 12th में पढ़ेंगे, एक आइडिया ले लेते हैं, दिस इज फॉर 12th में पढ़ेंगे हम, बायोगैस प्लांट्स होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, काउ डंग और वाटर को टैंक में मिक्स करके यहाँ पे इकट्ठा होने, और यहाँ पे साथ में डाइजेस्टर्स आर प्रेजेंट विच आर इन द फॉर्म ऑफ मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस वो क्या होगा, इस काउ डंग को वो डाइजेस्ट करके, एनारोबिक कंडीशंस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिथेन बना देते हैं, और जैसे जैसे मिथेन बढ़ती रहती है गैसेस लाइटर वो ऊपर ऊपर जाती रहती है, और ये जो पिस्टन है ये ऊपर ऊपर मूव करता रहता है, ये जो पिस्टन दिख रहा है ये ऊपर, जैसे जितनी बनेगी ऊपर ऊपर जाता जाएगा, और ये पाइप के थ्रू मीथेन जो है यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, इसको हम यूज करते हैं एज बायोफ्यूल, जैसे हमारे पास एलपीजी है, एलपीजी लिमिटेड रिसोर्स है, तो जहां पे काउ डंग का एक्सेस हो, एक्सेसिव अमाउंट में हो, वहां पे बायोगैस प्लांट लगा दिया जाता है ताकि उसे इंस्पाइट ऑफ एलपीजी हम मिथेन और मिथेन गैस यूज कर सकें, सो दिस इज अ बायोगैस, क्लियर टू एवरीवन। सो बायोगैस प्रोडक्शन में हमारे मिथेनोजेंस इन्वॉल्व होते हैं,
जैसा कि नाम है मिथानो, मिथानो बैक्टीरियम, मिथानो कोकस, इजी टू रिमेम्बर, एंड रूमिनेंट्स के पेट में होते हैं, सो दे आर रूमोकोकस। सो दे आर इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, बायोगैस प्लांट, रूमिनेंट्स, स्वैम्प्स, माशी हैबिट्स, दलदल जिसे बोलते हैं, जहां पे ऑक्सीजन नहीं होता, स्वैम्पी एरियाज में। करेक्ट, मिथानोजेंस क्लियर? इतना ही पता होना चाहिए मिथानोजेंस के बारे में। मीथेन प्रोड्यूसिंग वन, टर्माइट्स, रिमिनेंट्स, बायोगैस, सीवेज ट्रीटमेंट, यहाँ पे यूज आते हैं। एंड एनारोब्स तो है, ये सारे ही एनारोब्स हैं। क्लियर, सिर्फ दो तीन चीजें मिथेन्स के बाद, मिथानोजेंस। फिर आगे हेलोफाइल्स, जिनको कि नमक पसंद है, सॉल्टी। सॉल्ट लेक्स, जिसमें 23% तक भी सॉल्ट कंडीशन हो, तो उस कंडीशन में ये फ्लॉरिश करते हैं। फ्लॉरिश मैंने छोटे बच्चे पिज्जा मिल जाए, सो दे आर लाइक ओ माय गॉड क्या मिल गया, एंड दे फ्लॉरिश, दे आर सो हैप्पी। उसी तरीके से हेलोफाइल्स के लिए पिज्जा क्या है, नमक, जितना नमक उतने खुश। हेलो बैक्टीरियम, हेलो कॉकस, सिंपल, जैसा कि क्लास है वैसा ही नाम है। हम हेलोफाइल्स में एक एडिक्शन चीज क्या होती है, दे हैव बैक्टीरियो रोडोप्सिन। जैसे कि प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, इनमें बैक्टीरियो रोडोप्सिन होता है, दिस इज बैक्टीरियल पिगमेंट। सनलाइट को ट्रैप करता है पर खाना नहीं बनाता है, डायरेक्टली एटीपी बनाता है। प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट, वॉटर को ट्रैप करके क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, फूड, प्लांट्स। पर ये लोग डायरेक्टली एटीपी बनाते हैं। एटीपी इज दी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एटीपी इज, एट टाइम्स पूछ लेते हैं लोअर एग्जाम्स में, व्हाट इज एटीपी, एटीपी इज दी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। कुछ भी खरीदने के लिए हमको पैसे चाहिए होते हैं, मार्केट में जाएंगे पैसे, उसी तरीके से सेल को कोई भी काम करने के लिए एटीपी चाहिए होगा। सेल को ऑक्सीजन यूज करने के लिए भी एटीपी चाहिए, प्रोटीन बनाने के लिए भी एटीपी चाहिए, हर चीज के लिए, दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। करेक्ट, सो फर्स्ट आर मिथानोजेंस, सेकेंड आर हेलोफाइल्स, एंड थर्ड वंस आर थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल, जैसे कि नाम बता रहा है, हाई टेम्परेचर, 80 डिग्रीज, लो पीएच, एज लो एज 2 डिग्री। So they are found in hot sulfur springs. Correct? So these are thermoacidophiles. ये लोग क्या करते हैं, सल्फर को H2SO4 में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि मीडियम एसिडिक बन जाता है, और एसिडिक। अब जिसको जैसा मीडियम पसंद है वो वैसे में रहने की कोशिश करेगा, पर अगर इनके पास ऑक्सीजन ना हो, अगर इनके पास एनारोबिक हो, तो ये उसको H2S में कन्वर्ट करते हैं। नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ओनली थिंग इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं ना। ओके, तो मैंने आपको तीन क्लासेस बताई, 1, 2, 3। फर्स्ट वॉज मिथानोजेंस, जैसा कि नाम बता रहा है वो मिथेन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और ये कहाँ कहाँ जरूरी होता है, रूमिनेंस में, क्योंकि सेलुलोज डाइजेस्ट करना होता है, टर्माइट्स में, बायोगैस प्लांट में, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में। ठीक है जी, दीज आर ऑल एनारोब्स। आर्की, ए से आर्की बैक्टीरिया, ए से एनारोब, याद ऐसे नहीं रखना है, सिंपल। प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म है, लिविंग फॉसिल्स हैं, तो उस वक्त ऑक्सीजन नहीं थी, चाहे कुछ हो ना हो, दे हैव टू सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, सो दीज आर मिथानोजेंस। दूसरे हेलोफाइल्स, इनको 17 to 23% सोडियम क्लोराइड चाहिए होता है टू सर्वाइव, एंड इनके पास बैक्टीरियो रोडोप्सिन होता है, जो कि डायरेक्टली एटीपी बनाता है। थर्ड, थर्मोएसिडोफाइल्स, हाई टेम्परेचर, लो पीएच, एंड हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, दैट्स इट। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ योर आर्की बैक्टीरिया। सारे क्वेश्चंस इसी से ही आएंगे, ये जो टेबल मैंने बनाया दिखाया है, सब क्वेश्चंस इसी टेबल से आएंगे, लिविंग फॉसिल। ठीक है,
यही सब ऐड कर देते हैं हम लोग, ताकि आपने जब आपकी बैक्टीरिया पढ़ना है तो सिर्फ यही टेबल पढ़ना है। इसका नोट एग्जैक्टली नोट बना लेना अपनी कॉपी में, एक्सट्रीमोफाइल्स, ठीक है, ये सब नेक्स्ट में ही कवर हो गया है। एंड दे हैव डिफरेंस इन देयर सेल वॉल एंड सेल स्ट्रक्चर। हमारी सबकी सेल वॉल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है जो कि उसे फ्लूइडिटी देता है। सेल ऐसा तो नहीं है कि फिक्स स्ट्रक्चर है, ऐसा है तो ऐसा ही है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे अंड्यूलेट करती रहती है, हिलती रहती है, कुछ अंदर आ रहा है कुछ बाहर जा रहा है, डिफ्यूजन हो रही है न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन अंदर आ रही है, तो उसके लिए उसको फ्लूइड होना पड़ता है। पर इनकी सेल वॉल में फाइटेनॉल्स होते हैं, फाइटेनॉल्स एंड लॉन्ग ब्रांच चेन लिपिड्स, जिसकी वजह से दे आर एक्सट्रीमोफाइल्स। फाइन, लॉन्ग ब्रांच्ड फैटी एसिड, जिसकी वजह से दीज आर एक्सट्रीमोफाइल्स। एक इंपॉर्टेंट थर्मोएसिडोफाइल है जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। ये क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे सरवाइव कर जाते हैं, तो एक टर्म होती है बायोटेक्नोलॉजी या बायो इंजीनियरिंग। उसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में आर्टिफिशियली चेंज करते हैं। जैसे कि बोला जा रहा है ना, कोरोना वायरस इज मैनमेड वायरस, क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इंसान ने खुद चेंज किया है, ताकि वो ज्यादा विरुलेंट हो सके, या किसी चीज की, दे कैन बी यूज्ड एज बायो टेररिज्म, नो, बायो अटैक्स जिन्हें हम बोलते हैं, बायो वॉरफेयर। रीजन नहीं पता, कुछ लोग बोल रहे हैं कि चाइना वहीं पे फैले हुए फ्लू का ट्रीटमेंट के लिए कुछ देख रहा था, तो कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल उन्होंने चेंज किया और ये स्ट्रेन लीक हो गई। दिस इज द मैकेनिज्म दैट एवरीवन इज प्रपोजिंग, एग्जैक्टली नो वन नोज। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जेनेटिक मटेरियल चेंज करते हैं। अब जेनेटिक मटेरियल इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, एवरी वन ऑफ यू नो इट इज इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ऐसे होता है ना। तो कैसे चेंज करेंगे, पहले हमने ये कॉइलिंग को खोलनी पड़ेगी, ये अलग अलग करना पड़ेगा, इनको सीधा करना पड़ेगा, फिर यहाँ के जो काट के नया जेनेटिक मटेरियल लगाना पड़ेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डीनेचरेशन, और ये बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, डीनेचरेशन ऑफ डीएनए बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है। तो ऐसे एंजाइम जो कि हाई टेम्परेचर पे काम करें हमें बायो इंजीनियरिंग में चाहिए होते हैं, हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में चाहिए होते हैं वो चीजें, वो एंजाइम्स चाहिए होते हैं। तो उसमें से एक ऐसा बैक्टीरिया है जैसे कि थर्मोएसिडोफाइल्स हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करता है, तो टैक, थर्मस इक्वाटिकस, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है टैक, टैक बैक्टीरिया, जिसके पास एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि हाई टेम्परेचर में काम करता है एंड ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आता है। क्लियर टू एवरी वन, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्लाइड इज योर हैशटैग स्लाइड, आपको इस स्लाइड में सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ, दिस इज योर हैशटैग स्लाइड। इसमें अगर आपको कुछ नहीं आएगा, सो आई वोंट टॉलरेट, सब कुछ आना।